हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट्स में 30% कंप्लीट होती है, तो इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू को पता करना है। चलिए देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हमें किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और हमने पढ़ रखा है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है। यदि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें कुछ यह मिलती है, 2.303 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होल डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन। क्वेश्चन में हमें यह गिवन है कि रिएक्शन 40 मिनट्स में 30% कंप्लीट हो रहा है, यानी 40 मिनट्स के बाद रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का 70% हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में 30% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से रिएक्टेंट के फाइनल कंसंट्रेशन को रेट कांस्टेंट के इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है 8.918 इंटू 10^-3 मिनट इनवर्स। हमने पढ़ा है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करें तो हमें इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाती है 77.7 मिनट्स। आई होप अब आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे।